नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 19 लाख ईवीएम गायब हैं, क्या इलेक्शन कमीशन गारंटी देगा कि इन्हें असली ईवीएम से रिप्लेस नहीं किया जाएगा? दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई से यह बात सामने आई है कि 19 लाख ईवीएम चुनाव आयोग के कब्जे से गायब हैं। यह ईवीएम कहाँ है इस बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी संबंधित संस्थाओं से डेटा उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया है। इस दौरान यह जानकारी मिली कि ईवीएम निर्माताओं ने जो मशीनें चुनाव आयोग को भेजने के लिए तैयार की, उनमें से 19 लाख ईवीएम चुनाव आयोग के पास पहुंची ही नहीं। इस मामले में समाजवादी पार्टी से एमएलसी सुनील सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, करीब 19 लाख ईवीएम गायब हैं और चुनाव आयोग सो रहा है। कंपनियों से निकलकर ये ईवीएम चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचे तो आखिर गई कहाँ? इनका दुरुपयोग कर असली ईवीएम से इन्हें रिप्लेस नहीं किया जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? चुनाव आयोग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये दोस्तों बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही थी ईवीएम से संबंधित। बॉम्बे हाई कोर्ट में खुलासा हुआ है और देख सकते हैं सीधे तौर पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग निशाने पर हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में भी। आप सभी का धन्यवाद।